हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में कॉन्केटिनेट फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। कॉन्केटिनेट फॉर्मूला को यूज़ करके आप दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट को या वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर ए कॉलम में फर्स्ट नेम है और बी कॉलम में लास्ट नेम है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करके सी वाले कॉलम में लिखना है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे कॉन्केटिनेट, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कॉन्केटिनेट टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू, मतलब कि अब आप यहाँ पर जिन टेक्स्ट को कंबाइन करना चाहते हैं उन्हें आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट वन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम, कॉमा लगाते हैं, टेक्स्ट टू सेलेक्ट करते हैं यानी कि लास्ट नेम। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी टेक्स्ट हैं जिन्हें आप कंबाइन करना चाहते हैं उन्हें आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं, यानी कि फुल नेम की फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो गए हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा के बाद डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे, अगेन डबल कोट्स लगाएंगे यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा पुट कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पहले ये फर्स्ट नेम लिखेगा, स्पेस देगा और उसके बाद लास्ट नेम लिखेगा। एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के बीच में अब स्पेस आ गया है और साथ ही हमारा जो टेक्स्ट है वो भी कंबाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे कॉर्नर पर और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा एक्सेल में एक और तरीका है जिससे आप टेक्स्ट या वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं, वो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इक्वल का साइन पुट करना है। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट नेम। अब आप यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, स्पेस देंगे, अगेन आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, एंड का साइन लगाएंगे और अब यहाँ पर आप सेकंड टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लास्ट नेम। और आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने जो ये एंड पुट किया है ये आपके टेक्स्ट को जॉइन करता है, और जो हमने यहाँ पर डबल कोट्स दिए हैं ये आपके टेक्स्ट के बीच में सिंगल स्पेस को पुट करता है। तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर कंबाइन हो गया है और साथ ही यहाँ पर दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी आ गया है। और अब हम यहाँ पर इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे टेक्स्ट यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं और साथ ही सबके बीच में सिंगल स्पेस भी आ गया है। तो इस तरीके से आपके पास एक्सेल में दो मेथड हैं जिनके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। या तो आप कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से, या आप एंड सिंबल का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से अपने आज के इस वीडियो में हमने कॉन्केटिनेट फॉर्मूला यूज़ करना सीखा। थैंक यू।